हेलो डॉक्टर अजय जैन, आज हम आपसे एक छोटी सी बात के बारे में पूछना चाहते हैं। कान की इचिंग। कान की इचिंग बहुत एक नॉर्मल चीज़ है जो हमेशा हम फेस करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जब भी समय होता है तो जब भी आप खाली होते हैं तो कोई चाबी लेके पेन लेके कान को जाना एक बहुत कॉमन सी बात है। तो पर इससे कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कान में चोट पहुँच सकती है और कान में फुंसी हो सकती है। ओके, तो सर ये खाली इचिंग की वजह से ही ये जब हम ईयरबड को यूज़ करते हैं इचिंग में, या फिर हम किसी भी सुई को या कोई लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद वो कान के पर्दे पर डैमेज हो जाता है, तो उस रीज़न पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो यही है ना कि आ बैल मुझे मार, बैठे बैठाए आपने इंजर कर लिया। ये बहुत सीरियस बात है। ईयर इज ए स्पेशल सेंस ऑर्गन, आई ईयर टेस्ट स्मेल, ये हमारी वाइटल सेंस ऑर्गन है। कान के पर्दे पे ईयरबड लग गया तो भगवान ही आपका मालिक है। आप प्लीज़ आँख बंद करके कान मत साफ करिए। अच्छा सर, ये जो नॉर्मली कान साफ करने के लिए लोग कहते हैं कि वैक्स है हमारे कान में, हमने इसलिए यूज़ किया ईयरबड, और जब भी हम क्लीन करते हैं थोड़ा येलो सब्सटेंस हमारे कान के आसपास होता है तो हमने इसीलिए यूज़ कर दिया, बट अब हमारे कान में पेन हो रहा है, तो ये वैक्स का क्या क्या रहता है कि हमारे कान में कितना डर्ट होता है जो ये वैक्स इकट्ठा हो जाता है? एक तो पहली बात तो इसको आप डर्ट मत बोलिए। जो ये वैक्स है ये हमारा दोस्त है, ये कई तरह की बीमारियों से हमारे कान की रक्षा करता है। जैसे टायर के पहियों में आप देखते हैं वहाँ ग्रीस होती है जो उसको लुब्रिकेशन का काम करती है, वैसे ही वैक्स भी एक ईयर स्किन को लुब्रिकेंट देते हैं। और जिनकी अच्छी हेल्दी वैक्स होती है उन्हें कान की स्किन प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और ये जो वैक्स है ये लो पीएच देता है जिससे एक डेडली बैक्टीरिया स्यूडोमोनास वो ग्रो नहीं कर पाता, तो वैक्स होना एक अच्छी बात है। दो एक्सेप्शन भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्स 100% अच्छी चीज़ है, बट बाय लार्ज फॉर जनरल पब्लिक वैक्स हमारा दोस्त है। आप इसे ईयरबड से मत निकालिए। जैसे कोई दोस्त नाराज हो जाए तो आप उसको दोस्त को आप मनाते हो, तो उसी तरीके से आप ओवर द काउंटर वैक्स सॉफ्टनर ड्रॉप्स मिलते हैं, आप वो ड्रॉप डालिए कुछ दिन, उसके बाद आपने ईएनटी डॉक्टर के पास चाहिए, वो अंडर विजन विद द बेस्ट मेथड अवेलेबल वो वैक्स क्लियर कर देगा। ओके, तो आज हमने एक चीज़ें बहुत अच्छे से जानी कि जो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि वैक्स हमारे कान को तकलीफ दे रहा है, तो हमें आज डॉक्टर साहब ने यही बताया कि वैक्स उल्टा हमारे कान के लिए अच्छा है। और जहाँ तक हम जो ईयर क्लीनिंग जो सब्सटेंस हम बड सोचते थे कि इससे हम कान को साफ कर सकते हैं, और ये पता चला कि ये हमारे कान को नुकसान ही पहुंचाता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि ईयर इचिंग और ईयर वैक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और वैक्स हमारे कान में इचिंग की वजह से नहीं होता है, और उसको हम हर्ट करते हैं अगर हम बर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे वो कान के पर्दे को नुकसान दिला सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।